हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का 9 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जा रही है, तो जिसको आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल से जो है आउटलाइन बनानी है। और अगर आपको कोई आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आउटलाइन आप पूछ सकते हैं, और वो आउटलाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताई जाएगी। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनको जो है हमारे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम अब डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जब राष्ट्रीय सरकार आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना बना रही थी, तब औद्योगिक नीति पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार के इस प्रस्ताव में उद्योगों को बढ़ाने तथा जीवन स्तर को सुधारने के समर्थन में विद्यमान संपत्ति के साधारण पुनर्वितरण के परिणाम स्वरूप गरीबी का ही पुनर्वितरण होगा। सक्रिय राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य सभी उपलब्ध साधनों से उत्पादन को बढ़ाना तथा इन उत्पादनों के वितरण को सुनिश्चित करना था। इस प्रस्ताव में अर्थव्यवस्था में राज्य को विशिष्ट भूमिका पर जोर दिया गया। विकासशील राजकीय क्षेत्रों में राज्य को अपनी भूमिका बढ़ानी थी। यही नहीं, निजी क्षेत्रों को विस्तृत अवसर भी प्रदान करना था। इस प्रकार सम्मिलित अर्थव्यवस्था के पारित होने से विश्व मत पर आधारित प्रजातंत्र के सामाजिक आर्थिक ढांचे के अंतर्गत विकास मॉडल विकास योजना के शुरुआत में अच्छा कार्य किया गया, जिसमें राज्य तथा निजी क्षेत्रों का परस्पर प्रभाव था। यद्यपि राज्य निवेशों की तेजी से बढ़ोतरी होने के बावजूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की संपत्ति में संबंधित तथा संपूर्ण बढ़ोतरी तथा राज्य क्षेत्र का अंश भी बेहतर नहीं है। कृषि, जो अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक बड़ी शाखा है, राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक उत्पादन करती है। इसमें प्रयोग के तौर पर राज्य की संपत्ति विद्यमान नहीं है। निजी क्षेत्रों की तुलना में राज्य उद्योगों का लाभ प्रदान भी काफी कम है। राज्य सेक्टर लंबे समय तक घाटे में इसका संचालन करता रहा तथा इसकी उत्पादक क्षमता भी पर्याप्त रूप से कम थी। दुर्भाग्यवश भारत के राज्यों के कार्य निष्पादन और भूमिका, विशेषकर ऐसे समय जब उनके निष्पादन की स्थिति बिगड़ रही थी और दूसरी ओर उत्साही निजी क्षेत्र उभर रहे थे, के पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा राजनीतिक अपेक्षाओं, दफ्तरशाहियों की रुचि, संभाव्यता से अधिक बढ़ते संगठित मजदूर क्षेत्रों के कारण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अधिक से अधिक देसी और अभावपूर्वक विदेशी मुद्रा संसाधन का शोषण हुआ। इसी कारण भारी मुद्रा हानि का प्रस्ताव हुआ।
और धनराशि आपूर्ति में वृद्धि ने देश में मुद्रा स्फीति को दुगना कर दिया। अतः यह आवश्यक हो गया कि वित्तीय नियमावली मुद्रा आपूर्ति में कठोरता तथा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण के लिए कठोर स्थायीकरण मापदंड बनाए जाएं। अर्थव्यवस्था के विकास तथा कठोर अनिवार्यता की दृष्टि से सरकार ने इसकी आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन किया। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें, और अगर कोई आउटलाइन छूट गई है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।